हेलो फ्रेंड्स, कुक प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्याज की चटनी। वैसे तो बहुत सारी चटनियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे प्याज की चटनी। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे आप रोटी, सब्जी, नान, पराठा सभी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्याज की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज ली है। प्याज का मैंने छिलका उतार कर इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन प्याज को स्लाइसेस में काट लेंगे। तो देखिए, मैंने प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इनको पकाएंगे। अब हम प्याज को पकाने के लिए एक पैन को गैस पर गर्म करेंगे और इसमें 1/4 कप जो हमने तेल लिया है वो डाल देंगे। यहाँ पर हमने तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि हमें चटनी को स्टोर करके रखना है, लेकिन अगर आप स्टोर करके नहीं रखना चाहते तो आप तेल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तेल को गर्म कर लेंगे। अभी तेल के गर्म होने पर हमने यहाँ पर लहसुन की 8 से 10 कलियाँ ली हैं, इनको डाल देंगे और कुछ सेकेंड के लिए लहसुन को पका लेंगे। हमें यहाँ पर लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये अभी प्याज के साथ ही पकेगा। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पर ट्रांसप्लेसेंट होने तक पका लेंगे। प्याज को धीरे धीरे पकाने पर प्याज का कच्चापन निकल जाता है और ज़्यादा लाल भी नहीं होती है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज थोड़ी सी पक चुकी है। तो अभी हम इस स्टेज पर, यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच इमली ली है। इसमें से इमली में से मैंने 20 निकाल दिए हैं। इसको भी प्याज के साथ डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि इमली जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यदि आप इमली यूज नहीं करते हैं तो आप इमली की जगह पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं खटास के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज थोड़ी सी श्रिंक भी हो गई है और ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। अब हम प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्याज को ठंडा कर लेंगे। अब हम दूसरे पैन में कुछ मसालों को रोस्ट कर लेंगे। तो इस पैन में हम 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सौंफ। अब हम इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। अब ये मसाले थोड़े से रोस्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने 6 से 7 लाल मिर्च ली हैं। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है और इनको भी हम मसालों के साथ डाल देंगे और इनको कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो अभी मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनमें से खुशबू भी अच्छी सी आने लगी है। तो अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन मसालों को ठंडा कर लेंगे। रोस्ट किया हुआ मसाला ठंडा हो गया है तो अभी हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। हमें इस मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा मसाले को दरदरा रखना है। तो अभी ये हमारा मसाला तैयार है। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी सेम जार में जो हमने प्याज पका कर रखी है उसको डाल देंगे। हम प्याज को बिना पानी के ही ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, प्याज का पेस्ट भी तैयार है, हमने इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। अब बारी आती है इसमें तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तेल के गर्म होने पर हम इसमें 1 छोटी चम्मच राई डाल देंगे। राई को थोड़ा सा चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच सूखी उड़द दाल। अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इसमें डालेंगे 7 से 8 करी पत्ता। अभी हमारा तड़का तैयार है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अभी हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है।
लाल मिर्च को हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा डाल के और इसमें प्याज का पेस्ट डाल देना है और मिक्स कर देना है। गर्म तेल में मिर्च जो है वो जल जाती है और टेस्ट बिगड़ जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च हमने सिर्फ कलर के लिए डाली है, जिससे कि चटनी में अच्छा सा कलर आ जाए। निकाल देंगे पेस्ट को और डाल देंगे। अभी यहाँ पर डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार। अभी हमने जो रोस्ट किया हुआ मसाला है वो चटनी में डाल देंगे। हमें पूरा मसाला नहीं डालना है, थोड़ा सा मसाला हम बचा लेंगे। इस मसाले को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जी में डालकर। ये मसाला थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए हमने बचाया है, इसमें से मिक्स कर देंगे। अब हमने जिस जार में प्याज पीसी थी उसी जार में हम 1/4 कप पानी डालकर उसी पानी को हम इस चटनी में डाल देंगे। अभी ये चटनी हमारी थोड़ी गाढ़ी सी थी तो इस पानी से चटनी की कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी। मिक्स कर देंगे। तो अभी हम पानी डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। चटनी जितनी अच्छी पकेगी उससे क्या होता है कि चटनी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। अगर चटनी में थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो चटनी बिगड़ जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं चटनी का कलर भी चेंज हो गया है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो अभी ये हमारी चटनी जो है वो परफेक्ट पक चुकी है। तो अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो देखिए हमारी प्याज की चटनी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे पूरी, पराठे, नान या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बनाने में भी आसान है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।